दलित का बेटा को अपने जिताकर हमारे हाथ को मजबूत किया। फिर मैं आज एक आशा उम्मीद कर लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। पहले तो मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं एक गरीब घर में जन्म लिया, जिस घर में परिवार में लोग अपने घर बच्चे को चलाने के लिए मछली मार कर अपने घर परिवार को चलाते थे, ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ। और 18 साल की उम्र में गरीबी से लड़ते हुए अपने घर परिवार अपने रिश्तेदार हर किसी को छोड़कर गांव से 2000 किलोमीटर दूर मुंबई चला गया। वहां पे मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपये महीने पे नौकरी करता था मैं, 30 रुपये रोज पे मजदूरी करता था। जहां काम करता था वहीं पे सोना रहता था, क्योंकि रहने के लिए घर नहीं था। और आप लोगों के आशीर्वाद से, मेहनत के दम पर, ईमानदारी के दम पर मुंबई जैसे शहर में मैंने अपने मुकाम को हासिल किया और बेहतर ज़िंदगी जीने लगा। हजारों लोग हमारे पास काम करने लगे और एक अच्छा ज़िंदगी जो कहते हैं ऐसी मैं जीने लगा। फिर मैं बिहार लौट के आया 10 साल के बाद, तो मैंने देखा कि मैं तो काफ़ी आगे निकल चुका हूं, लेकिन हमारा समाज बहुत पीछे रह गया है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के पास इस धरती पे घर नहीं है। लोग बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, करोड़ों के गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए रास्ता नहीं है। और फिर मैंने मुंबई के ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़ा, घर परिवार को छोड़कर मैं बिहार में खास करके अपने समुदाय के लिए लड़ाई लड़ने लगा। और ख़ास करके अपनी समुदाय निषाद समुदाय के सभी उपजाति बिंद बिलदार नुनिया मला सभी के लिए लड़ाई लड़ रहा था। इसलिए क्योंकि मैं मानता हूँ कि देश एक है, देश में संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है एससी का, तो बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम मैदान में उतरे। और हर चुनाव में हर नेता से मिलता था मैं, उनको कहता था कि ये समस्या को दूर कर दीजिए, वो चुनाव के समय में कहता था कि कर देंगे, और चुनाव निकल जाता था, भूल जाता था कि कोई निषाद मल्ला का बेटा का कोई समस्या है। और लगातार 4 साल तक मैं सबके पीछे घूमा, फिर मुझे एहसास हुआ और मैंने 7 दिन तक अनशन पे बैठा, पटना में आमरण अनशन पे बैठा कि समाज के कुछ मुद्दा को लेके इसको दूर कर दीजिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सब चाहता था कि ये लड़का आमरण अनशन पे है, यही दम तोड़ दे, ताकि इनकी बात कौन सुनेगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि जो काम इनको कह रहे करने के लिए, वो काम तो हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है। और उस जगह पे पहुंचने के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, पैसे की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वोट की आवश्यकता है उस जगह पे पहुंचने के लिए। क्योंकि आपके वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है, आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, आपके वोट से विधायक सांसद बनता है, आपके वोट से मुखिया बनता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम दूसरे लोगों को बनाते रहे हैं, हम खुद बने नहीं हैं। तो इसलिए हमने 2018 में पार्टी बनाया, पार्टी बनाने के बाद हमने लड़ाई लड़ा 2019 में, यूपीए गठबंधन में था, चुनाव हमारे परिणाम में नहीं आया, हम लोग चुनाव हार गए, लेकिन हौसला नहीं हारे। फिर हम 2020 में लड़ाई लड़े और बिहार में आप लोगों के आशीर्वाद से 4 सीट में से 1 सीट आपने जिता के भेजा, और 3 सीट और भी अन्य राज्य जिला से जीत के लाया, और 4 सीट पर हम बिहार में अपनी सरकार बनाए। आपको भी पता होगा कि जब सरकार बना, उस समय में सरकार के पास 125 विधायक का समर्थन पे सरकार बना, और 122 पे सरकार बनता है, और हमारे पास 4 विधायक था, वो 74 विधायक से कम नहीं था। अगर भाजपा के पास 74 को विधायक था, अगर वो समर्थन नहीं देता तो भी सरकार नहीं बनता, और हम भी समर्थन नहीं देते तो भी सरकार नहीं बनता। तो 74 के बराबर हमारे 4 के पास ताकत था, लेकिन हम लोगों ने सरकार बनाया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने सरकार बनाया। उस समय में तो हमारे पास बहुत सारा ऑफर आ रहा था, लालू जी कहते थे कि आ जाओ सोनी जी, हमारे साथ सरकार बनाओ, डिप्टी सीएम बन जाओ, चारों विधायक को मंत्री बना दो, राज्यपाल कोटा से 12 सीट खाली होगा, उसमें 6 आप ले लेना, 6 माझी जी को दे देना, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाओ। लेकिन हम लोगों ने निषाद का बेटा, मल्ला का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, स्वाभिमानी होते हैं, ईमानदार होते हैं, हम लोग कभी किसी के साथ छल नहीं करते हैं, कभी किसी के पीठ में खंजर नहीं बोकते हैं। और हमने इतनी बड़ी उपलब्धि हमको मिल रहा था, उस सबको हमने त्याग करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हमने बनाया। और फिर हमने राज्य में काम करने के लिए गया,
हमें एक विभाग मिला, हम मंत्री बने और हम गरीब, हर गरीब समाज के लिए, क्योंकि मेरा मानना है इस धरती पर दो ही जात है, एक अमीर और एक गरीब। और हमारा मानना है कि मैं खुद गरीब का बेटा हूं और गरीब के लिए काम करना है, और देश का खजाना जो होता है उस पर सबसे पहला अधिकार गरीब का होता है, लेकिन गरीब का बेटा उस जगह पर रहता ही नहीं है जो उसके लिए देगा। तो हम जब बने तो हमने हर योजना को, खास करके एससी एसटी अति पिछड़ा के लिए 90% तक अनुदान बढ़ा के कर दिया, कि हमने कहा कि अगर किसी मछुआरा का बेटा को 10 लाख का गाड़ी खरीदना है तो 9 लाख रुपया सरकार भरेगा, और सिर्फ 1 लाख रुपया सरकार उसको भरना पड़ेगा, 9 लाख रुपया सरकार को भरना पड़ेगा। हमने कहा कि अगर किसी को 4 पशु पालना है, भैंस खरीदना है, 3,34,000 रुपया में सिर्फ 34,000 रुपया भरेगा, बाकी 3 लाख रुपया सरकार भरेगा। ऐसे योजना सब हम लागू कर दिए, और कहीं ना कहीं बाकी हमारे जो दल के लोग थे उनको तकलीफ होने लगा, देखा कि एक पिछड़ा का बेटा, एक मल्ला का बेटा आगे बढ़ रहा है, अपने समाज के लिए काम कर रहा है, गरीब लोगों के लिए काम कर रहा है, अगर इसी तरीके से काम करते रहा तो ये बिहार में एक बड़ा नेता बन जाएगा। और जब बिहार में बड़ा नेता बन जाएगा तो अभी तो हमको 11 सीट देना पड़ता है, आने वाले समय में 51 सीट देना पड़ेगा, क्योंकि आज तक तो निषाद के बेटा को काम करा के उसकी सारी उम्र बिता देता था, एक टिकट देने पे उसको मजबूर कर देता था। ये आजादी के बाद पहली बार एक निषाद अति पिछड़ा का बेटा अपना पार्टी बनाकर और टिकट बांटने का काम कर रहा है। तो आज कहीं ना कहीं इनको तकलीफ हो रहा था, फिर इन्होंने षड्यंत्र रचने का काम किया, बार बार प्रेशर दे रहा था कि अपनी पार्टी को विलय कर लीजिए और भारतीय जनता पार्टी में मिला लीजिए और फिर हम आपको अगले मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमने कहा भैया हम मुख्यमंत्री बनने नहीं आए, हमारी जो लड़ाई है उसको अंजाम तक पहुंचा दीजिए, फिर हम सोचेंगे पार्टी के लिए। और जब तक लड़ाई को पूरा नहीं कीजिएगा तब तक तो हम किसी के साथ जाने वाले नहीं है, हम अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे, गरीब समाज की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने षड्यंत्र रचने का काम करने लगा, काम में स्लो करने लगा। उसके बाद आपने देखा कि बोछा विधानसभा में ये सीट हमारा था, जबरदस्ती उनको अपने प्रत्याशी को उतार दिया भाजपा वाला, तो भी हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा ठीक है जनता मालिक है, जनता के बीच में चलते हैं, जो सही है वो सही का निर्णय जनता लेगा। उसके बावजूद भी ये बात नहीं माना, और हमने भी रमन राम जी के सुपुत्री को डॉक्टर गीता कुमारी जी को टिकट देकर उनको मैदान में उतार दिया। फिर उन्होंने क्या किया, हमारे पार्टी को तोड़ दिया, हमारे पार्टी को लोभ लालच देकर, मंत्री पद देकर, पैसा देने की बात करके पैसा देकर उनको अपने में मिला लिया, अब बिहार का नंबर वन पार्टी बन गया। तो भी हमने उनको सुबह में धन्यवाद दे दिया कि जो गए उसको भी धन्यवाद, स्वागत, उनके भविष्य अच्छा हो, और जो आपने हमारी पार्टी को तोड़ा आपको भी शुभकामना कि कम से कम जब आपके साथ हम थे 74 विधायक जब बना तभी भी हमारा सहयोग से आपका 74 विधायक बना, तो भी आप 2 नंबर की पार्टी बन गए, हमारे सहयोग से 1 नंबर की पार्टी बने हैं 3 विधायक मिला के। चलिए आपको शुभकामना देता हूँ कि चलिए कोई बात नहीं, आपने पार्टी तोड़ के बना लिया। उसके बाद भी उन्होंने फिर हमें सरकार से निकालने की बात करने लगा, कहने लगा कि इस्तीफा दे दीजिए नैतिकता के आधार पे। मैंने बोला भैया तुम बोलोगे नैतिकता का पाठ, जो तुम अपने दोस्त को पीठ में खंजर भोंक देते हो, सीने में खंजर भोंक देते हो, और तुम नैतिकता की बात कर रहे हो। हमारे पास तो इतना नैतिकता था कि हमारे पास ऑप्शन था दूसरे के साथ जाकर सरकार बनाना, लेकिन हमने तुम्हारे साथ सरकार बनाया, ये सरकार मेरा है, हम अगर नहीं रहते तो शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ नहीं ले पाता, इसलिए यह सरकार हमारा है और इस सरकार में मजबूती से हम रहेंगे, हम जनता का काम करेंगे। लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती हमें सरकार से बर्खास्त कर दिया। 4 दिन पहले तक हम मंत्री थे, अभी पूर्व मंत्री बन गए, तो हमें कोई परवाह नहीं है। इस देश में हमेशा गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लिए, जो गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया है, उनको जान गंवाना पड़ा या उनको हर तरह से उनको परेशान होना पड़ा, ये मैं पहला देश का, दुनिया का पहला व्यक्ति नहीं हूँ, ये होना ही था तो ये हो रहा है, और मैं लड़ूंगा, कोई ना कोई तो लड़ेगा। हमारे समाज में हमेशा एक से एक वीर पुरुष जन्म लिए, हमेशा समाज के लिए लड़ाई लड़े, एक नाई समाज से हमारे कर्पूरी ठाकुर जी थे, लड़ाई लड़के समाज को आगे बढ़ाया, कितना अति पिछड़ा को आरक्षण दिलाया, हमारा अम्बेडकर जी ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने उनको लोग कितना परेशान किया, उसके बावजूद भी उसने संविधान में गरीब लोगों को आरक्षण देने का काम किया, हमारे लिए संविधान लिखा। तो इसलिए हम आज लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हर जाति धर्म के साथी को कहूँगा कि आप हमें मदद करें,
एक सीट जीतने से मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, लेकिन जरूर सपना जरूर देखूंगा कि एक पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा। और सपना ये देखूंगा, हौसला ये बढ़ेगा पूरे बिहार के एक एक नौजवान को कि उसके दिल में ताकत आएगा और वो सोचेगा कि दुनिया का कोई भी ताकत हो, हर एक पिछड़ा का बेटा को हिम्मत आएगा कि दुनिया का हर ताकत से लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार रहेगा। यहाँ पे एक पिछड़ा का बेटा कमजोर होगा तो आने वाले समय में कोई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। आज मैं किसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ? आज मुंबई के ऐशोआराम जिंदगी छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ। आज मैं काम करना छोड़ दूँ, मेरे आने वाले 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगे, इतना आप लोगों का आशीर्वाद से मैंने कमाया। आज मैंने आपके लिए अपने घर परिवार छोड़कर यहाँ पे आया हूँ। मैं चाहता तो मोदी जी का बात मान लेता, उसके गोद में बैठ जाता और उनकी पार्टी के सदस्य बन जाता, मंत्री बने रहता, लेकिन मैंने लड़ाई चुना। मैं आज कहीं ना कहीं उनसे लड़ने के लिए मैदान में आ चुका हूँ। आज यहाँ पे तेजस्वी एक सीट जीतकर मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। जब तक पिछड़ा समाज का, दलित समाज का बेटा का साथ उनको नहीं मिलेगा, तब तक वो सरकार कभी नहीं बना सकता। आज को भी पता होगा, मैं इससे पहले यूपीए में था, उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया, फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, हम एनडीए के साथ राजनीति करने लगे। आने वाले समय में पूरे बिहार में अपने समाज को संगठित करेंगे, मजबूती से साथ लेंगे और 2024 में ऐसे ताकत से लड़ाई लड़ेंगे जो ताकत आज हम लोगों को भाई भाई से लड़ा रहा है, ऐसे ताकत से लड़ाई लड़ेंगे और आगे बढ़ने के लिए लड़ाई लड़ेंगे साथियों। इसलिए मैं चाहूँगा हर जाति धर्म के साथी से कि एक वोट आप देंगे, इस वोट से एक पिछड़ा का बेटा का हौसला बढ़ेगा और आने वाले समय में लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरेगा। इसलिए आप हमारे प्रत्याशी को यहाँ से जिताइए। आपको भी पता है कि सबसे अधिक संख्या में इस क्षेत्र में निषाद समाज आता है, रमेश राम जी का एक अपना प्रभाव है, उनका भी बड़ा संख्या है और हम लोग के पास 50 से 55 हज़ार वोट है, सिर्फ 15 से 20 हज़ार वोट हमें चाहिए और इसके लिए पूरे बिहार क्षेत्र में मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ आप न्याय कीजिए। जो पिछले 10 दिन में मेरे साथ हुआ, पिछले 1 हफ्ता में जो हुआ, वो क्या मेरे साथ सही हुआ? अगर सही हुआ तो आप हमें वोट मत दे, अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो आप हमारे अन्याय के साथ न्याय करने का काम कीजिए। किसने हमारे साथ अन्याय किया है, इसके लिए एक वोट देकर आप न्याय कीजिए और निश्चित तौर पे आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा तो ये सीट हम जीतेंगे और हर समस्या का हल करने के लिए आप आपके मैदान में आएंगे, क्योंकि आपके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास तो पैसा है नहीं कि हम रातों रात वोट खरीद लेंगे और फिर हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है कि पूरे बिहार में हर जाति धर्म के साथ जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे और उनके साथ अपनी बात बताएंगे, अपने साथ लेंगे और एक न एक दिन पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसी लड़ाई लड़ेंगे। हम नहीं बनेंगे तो क्या हुआ, हमारे आने वाला पीढ़ी बनेगा। आज मैं सिर्फ अपने लिए सपना नहीं देख रहा हूँ, हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज मैं चाहता तो मोदी जी के गोद में बैठ जाता, लेकिन नहीं, हम अगर आज बैठ जाएंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगा। इसलिए आज हम सभी को लड़ाई लड़ना है साथियों, इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि आप हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे और इसी के लेके मैं आप लोगों के से एक आश्वासन चाहता हूँ कि आप हमारे प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं कि नहीं, देना चाहते हैं तो हाथ उठाएं, आप हमारे साथ न्याय करना चाहते हैं तो हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाएं। और दोनों हाथ का मतलब है एक वोट आपका और एक वोट अपने दोस्त यार, अपने सखी, अपने संबंधी, ऐसे लोगों से एक हाथ ले, एक वोट लेने का काम कीजिए ताकि हमारा नैया पार लगेगा। हम उस कुल खानदान से आते हैं कि श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगाए हैं। अभी हमारे नाव पे एक दलित का बेटा रमेश राम बैठे हैं, उनकी सुपुत्री बैठे हैं। आप लोग इतना ताकत दीजिए कि इनको भी हम नैया पार लगा दें और आने वाले समय में आपके जो भी समस्या होगा उसके लिए हम आपके बीच में हमेशा आते रहेंगे और काम करते रहेंगे। हर जाति धर्म से लड़ाई है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद।